दोस्तों, वेद बाबा चैनल और गुरुकृपा आयुर्वेद आश्रम पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लोह भस्म को चेक करने की। हर व्यक्ति जब कोई एक दो नुस्खे आयुर्वेद के किसी से पढ़ लेता है या सीख लेता है, वो सोचता है कि मैं वैद्य बन गया हूँ, तो फिर सोचता है कि मेरे जैसा वैद्य ही नहीं है कोई। तो जो शुरुआत है, जो हमारा चैनल है, उस पर आपको बहुत सारे ऐसे नुस्खे मिलेंगे, ऐसा सिस्टम मिलेगा, विधि विधान मिलेगा। जैसे हमने अभी ये सामने देखिए, जो हमने ताम्र भस्म को चेक करने का कुछ टाइम पहले ताम्र भस्म को चेक किया है। ये दही रखा हुआ है, ये दही है, ये भस्म है और ये मिश्रण है। अगर ये हरा हो जाता तो ये भस्म खाने के योग नहीं थी। अब ये बिल्कुल वैसी है जैसी है थी, दही का रंग डलने में वो दही जैसी हो गई है। इसलिए दोस्तों, हम ये मानते हैं कि ये भस्म बिल्कुल खाने योग है। अभी हम आपको लोह भस्म चेक करवा रहे हैं। ये दोनों में, ये कौली है, एक कटोरी है, दोनों में पानी है। तो हमने एक ये ठंडे तरीके से भस्म बनाई थी और एक गर्म तरीके से भस्म बनाई थी। आपको जो भी मार्केट में भस्म मिलेगी, अगर आप उसको चेक करोगे तो 100 में से 99 इस टेस्ट में पास नहीं होती। 100 में से 99% इसमें से पास नहीं होती। अभी हम ये देखिए, ये डब्बी में से लोह भस्म निकाली है, मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर ये पानी में चल जाएगी तो 100% कामयाब है। इसके लिए हम कोई भी दाम देने को तैयार हैं। ये देखिए, हाँ, दोस्तों, ये भस्म अपने स्थान पे टिक गई है, ये पानी के ऊपर चल नहीं रही है। इसलिए इस भस्म को हम ये नहीं मान सकते कि ये पानी पे चलती है। और जो भस्म पानी पे चलेगी वो खून में, शरीर के अंश में मिक्स हो जाती है और जो रिजल्ट देती है वो एक लाजवाब होता है। इसलिए हम इस भस्म को पास नहीं कर सकते। ये आपको मैं लोह भस्म चेक करने का तरतीब बता रहा हूँ, आपने भी करना है। जब आप करोगे तो आप अपने काम में 100% कामयाब होगो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कामयाब ना हो। दोस्तों, ये भस्म मैंने ठंडे तरीके से बनाई थी। ये देखिए, ये डब्बे में लोह भस्म है, मैं इसको ऐसे डाल रहा हूं। अब इसको अच्छी तरह से चेक करिए, दोनों में क्या अंतर है। ये भस्म मेरे पास कहीं से आई है कि इसको चेक करो, क्या ये दवाई के लिए योग है या नहीं योग। ये भस्म मैंने अपनी मेहनत से खुद बनाई है। मेरे पास ये 3 किलो भस्म थी, अभी ज्यादा किलो रहती है। दोस्तों, ये दोनों भस्में मैंने आपके सामने चेक कर दी है। एक मेरे पास किसी मेरे दोस्त की बनकर आई है कि इसको चेक करो, क्या ये आपके काम की है या नहीं है, या मैं इसको आगे और विधि विधान लगाऊं, इसको और आग दूं, इसकी और घटाई करूं और इसको और पुट दूं। ये मैंने जो अपनी बनाई थी भस्म, इसमें मैंने अपनी डाली है, इसमें मैंने वो अपने दोस्त वाली डाली है। आप इसको चेक करिए, ये 1% भी ऊपर नहीं है। इसमें से कोई कण 1% लगा लो कि 1% ये कामयाब है। अभी आपको, आप पास आइए, पास में आइए। हाँ, ये देखिए, लाइट बल्ब। अभी ये देखिए, आप पास में देखिए, ये भस्म को मैं अभी भी जिस चमचे से उठा रहा हूं, ये ये देखिए, ये मैं इस भस्म को चमचे से उठा रहा हूँ, ये चमचे के ऊपर आ रही है, नीचे नहीं जा रही। आज के जमाने में, ये देखिए, आज के जमाने में ऐसी भस्म मिलना, अब मैं दोबारा पानी में छोड़ रहा हूँ, आप दोबारा देखिए, ये देखिए, मैंने उस चमचे को दोबारा, ये मैं इसको हिला भी रहा हूँ, ये देखिए,
अगर ये सही ना बनी हो तो ये नीचे बैठ जाएगी। ये अभी भी पानी में चल रही है हलाने के बावजूद भी। दोस्तों अब जो मेरे दोस्त ने मेरे को भेजी है मैं उसको उठाकर देख रहा हूं। ये देखिए, इसमें चलना तो एक बात रही। ये देखिए, ये काम जब नहीं है इसलिए मैं इस बस मुझे जूझ नहीं करूंगा और ना ही मैं अपनी किसी दवाई में बरतूंगा। आयुर्वेद का जो घर है वो बहुत दूर है, इसलिए कोई भी आप दवा देना चाहते हो, आप कोई नुस्खा बनाना चाहते हो, उसके लिए जो भी आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं वो सामान सही हो, शुद्ध हो, ताज़ा हो, सही बना हुआ हो, तो आपको रिजल्ट सही देगा। आयुर्वेद को बदनाम करने की बजाय आयुर्वेद को ये कहना कि इसका रिजल्ट बहुत लेट आता है, आप सामान सही रखो। मैं ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसी ऐसी दवाई के बारे में जानता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, जिनको एलोपैथी के दवा में अभी टाइम लगता है, आयुर्वेद में मैंने मिनटों सेकंडों में रिजल्ट देखा है। आप कोशिश करके देखिए, सामान शुद्ध रखिए, अपनी भावना शुद्ध रखिए, सही टाइम पे सही दवा सही अनुपान से दीजिए। आयुर्वेद जैसी कोई विद्या नहीं है, इस जैसा अमृत नहीं है, आयुर्वेद अमृत है ऐसे नहीं बोला। जे किसी सही विधि से सही ज्ञान वाले व्यक्ति ने, किसी संत ने जो बोला है कि आयुर्वेद अमृत है, मैं भी मानता हूँ कि वाकई ही आयुर्वेद अमृत है। आप इस अमृत को अपने जीवन में उतारिए, अपने परिवार में उतारिए, अपने लोगों में दीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। गुरु जी आप पर कृपा करेंगे। जय गुरु।